मैं रेनो डस्टर में, तो कुछ इस टाइप की आपको कीज़ देखने को मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक, और ये जो 2 सेकंड का है, 2 सेकंड के बाद जब आप ये की प्रेस करते हो ना, तो आपका अलार्म का लाइक जैसे नॉर्मल सी गाड़ियों में होता है वैसा होता है। तो अभी कर लेते हैं गाड़ी को ऑन। तो यहाँ से कुछ की इंसर्ट होती है इसकी। ये आप इसके RX-Z वेरियंट में हैं, यानी कि मैं हूँ RX-Z वेरियंट में। तो गाड़ी अभी ऑन है, तो देख लीजिए आप लोग जो इंजन नॉइस है, जो केबिन नॉइस है, वो कितना प्यारा सा आपको मिलता है। एक भी नॉइस आपको सुनने में नहीं मिलती है। अगर मैं एक्सेलरेट भी करूँ गाड़ी को तो आप सुन सकते हो। बाकी रेनो डस्टर के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, क्योंकि पावर के मामले में ये गाड़ी मतलब बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे दो प्यारी से AC वेंट्स, और जो इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है वो आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, तो ये आपको पूरा इंटीरियर मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे ऑड से फील होती है, ये साउंड के ऊपर ही आपको ऑल पावर विंडो मिल जाती है, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फीचर्स के साथ, और यहाँ पे और 3 पावर विंडो आपको नॉर्मल दी जाती हैं। एडजस्टेबल आपको ORVM दिए जाते हैं, तो आप लोग चेकआउट कर लो एक बार।